भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा इस सेवा से दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा, साथ ही आपसी संबंध और भी होंगे मजबूत। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन आज। महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों के जीवन में बदलाव पर होंगे दो सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। सत्र खेलों से संबंधित कई हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर करेगा प्रदान। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरा जत्था पहुंचा स्वदेश। कल पहले जत्थे में लौटे थे 212 भारतीय। इसराइल की जमीनी सेना ने लापता लोगों की खोज के लिए गाजा में मारे गए स्थानीय छापे। अल्टीमेटम के बाद उत्तरी गाजा खाली करने के अंतिम समय करीब। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा हमास के खिलाफ कार्रवाई शुरुआती दौर में। खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में मुकाबला आज। दोनों टीमों की नजर जीत की हैट्रिक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं आप खबरों को विस्तार के साथ। भारत और श्रीलंका के बीच आज हाई स्पीड नौवहन सेवा का शुभारंभ हुआ। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम बंदरगाह पर और विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के पोत परिवहन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा के शुरू होने के बाद 150 लोग एक बार में आ जा पाएंगे। टिकट की कीमत 6,500 और 7,670 रुपये प्रति व्यक्ति है और श्रीलंका के जाफना तक पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। इस सेवा से तमिलनाडु में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांके संतुरई के बीच प्राचीन समुद्री मार्ग संभावित रूप से पुनर्जीवित होगा और दोनों देशों में धार्मिक पर्यटन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों देशों के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा नागपट्टिनम और कांके संतुरई के बीच नौवहन सेवा का शुभारंभ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। द लॉन्च ऑफ अ फेरी सर्विस बिटवीन नागपट्टिनम एंड कांके संतुरई इज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन in strengthening our relations. Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce and civilization. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच समृद्ध इतिहास रहा। इस सेवा से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे वी ज्वाइंटली अडॉप्टेड ए विजन डॉक्यूमेंट फॉर अवर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। कनेक्टिविटी इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पार्टनरशिप। कनेक्टिविटी is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer and our hearts closer. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका संस्कृति, वाणिज्य और सभ्यता का गहरा इतिहास साझा करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कई अहम समझौते हुए। अब ये नौवहन सेवा के शुरू होने से दोनों देशों के बीच संबंध और भी गहरे होंगे। फॉलोइंग माय विजिट टू श्रीलंका इन 2015, वी विटनेस द लॉन्च ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन
दिल्ली एंड कोलंबो. लेटर वी सेलिब्रेटेड द लैंडिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट इन द पिलग्रिम टाउन ऑफ कुशीनगर फ्रॉम श्रीलंका. द डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन चेन्नई एंड जाफना began in 2019. Now, the ferry service between Nagapattinam and Kankesanthurai is yet another important step in this direction. उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका के बीच फिनटेक और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बेहतर साझेदारी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हम यूपीआई और लंका पे को जोड़कर फिनटेक सेक्टर कनेक्टिविटी पर भी कर रहे हैं काम. इंडिया एंड श्रीलंका कोलैबोरेट क्लोजली इन द वाइड रेंज ऑफ एरिया सच एज फिनटेक एंड एनर्जी. डिजिटल पेमेंट्स हैव बिकम ए मास मूवमेंट एंड अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया ड्यू टू यूपीआई. We are working on fintech sector connectivity by linking UPI and Lanka Pay. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की वर्षों पुराने विरासत को दुनिया के साथ साझा कर उनके लिए समृद्धि के रास्ते को खोलने का प्रयास किया है. India recently hosted the G20 summit. Our vision of Vasudhaiva Kutumbakam has been welcomed by the international community. Part of this vision is putting our neighborhood first, sharing progress and prosperity. During the G20 summit, the India Middle East Europe Economic Corridor was launched. This is an important connectivity corridor that will create a massive economic impact on the whole region. The people of Sri Lanka will also benefit from it as we strengthen multimodal connectivity between our टू कंट्रीज. कार्यक्रम के दौरान अपने वीडियो संबोधन में श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उत्तरी श्रीलंका में संघर्ष की वजह से भारत के साथ नौवहन संपर्क टूट गया था और अब इसे फिर से बहाल किया जा रहा है. द कनेक्टिविटी बिटवीन आर टू कंट्रीज वर डिसरप्टेड ड्यू टू द वॉर इन द नॉर्थ. नाउ पीस हैज रिटर्न्ड and we can re-establish the sea connectivity. I discussed this matter with Prime Minister Modi, and I must thank him and the Indian Shipping Corporation for the role they have played in re-establishing this connectivity. इस मौके पर केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच नौवहन सेवा इन्हीं संबंधों का ही उदाहरण है. इंडिया एंड श्रीलंका हैव अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री ऑफ कल्चरल टाइज. द फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सेम. Ferry services have traditionally been an important source of connectivity between the two countries, thereby facilitating movement of people, trade and goods for centuries. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन करने वाले हैं. आईओसी का सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है. आईओसी के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं. भारत दूसरी बार लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आईओसी के सत्र की मेजबानी कर रहा है. आखिरी बार आईओसी का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. भारत में आयोजित होने वाले आईओसी का 141वां सत्र
वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने, मैत्री सम्मान और उत्कृष्टता के ओलंपिक के आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रति देश के समर्पण का प्रतीक है। ये सत्र खेलों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक और IOC के अन्य सदस्यों के साथ भारतीय खेल जगत की प्रमुख हस्तियां और IOC सहित विभिन्न खेल महासंघों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी भाग लेने वाले हैं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिशिर। शिशिर, तो 40 सालों के बाद आज फिर से मेजबानी कर रहा है IOC की भारत एक बार। किस तरह से खेलों में उत्कृष्टता को इंकित करता हुआ IOC इस सत्र में ऐसा मंच प्रदान करेगा ताकि तमाम हितधारक अपनी बात साझा कर पाए? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त अगर भारत का लक्ष्य है तो भारत को स्पोर्ट्स में सुपर पावर बनाना है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य जिसके तहत हम देख पा रहे हैं कि कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो अभी जिस प्रकार से भारतीय एथलीट्स ने जो एशियन गेम्स में जिस प्रकार से पदक जो है जीते हैं, वही दूसरी अगर बात करें तो भारत इस वक्त अगर देखा जाए तो क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। तो ऐसे में भारत में कहा जाए ये उत्सव ज़रूर होगा खेलों का, जो बड़ी तौर पर मनाया जा रहा है। और उत्सव से प्रमुख अगर बात करें तो आज जब प्रधानमंत्री मुंबई में आएंगे और 141वें सत्र का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक मुंबई में होगी। हालांकि इस बैठक का अगर बात करें तो 12 से ये बैठक शुरू हो चुकी थी। इस बैठक के जो प्री सेशन थे, मतलब जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी, वो पिछले दो दिनों से मुंबई में हो रही है और अब अगर देखा जाए रविवार से लेकर मंगलवार तक इन तीन दिनों में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके मेंबर्स यहाँ पर आएंगे और उनकी बैठक यहाँ पर होगी कि किस प्रकार से आने वाले समय में जो ओलंपिक गेम्स है उसका आयोजन किया जाए। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसमें कई सारे फैसले लिए जाते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि मेज़बानी कौन सा देश आने वाले समय में करेगा, कौन सा नया खेल जो है ओलंपिक में लाया जाएगा, तो ऐसे तमाम सारे बिंदु होते हैं जिस पर जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो मेंबर्स है वो बैठकर फैसला लेते हैं। इसमें एक वोटिंग भी होती है, उस वोटिंग के माध्यम से बाद में जो है इन सभी फैसलों का अमल किया जाता है। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो इस सत्र का जो है उद्घाटन यहाँ पर करेंगे, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात भारत के लिए इसलिए है क्योंकि 40 साल बाद ये भारत में बैठक हो रही है। 1983 में बैठक हुई थी, उसके बाद अब जो है ये बैठक भारत में हो रही, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है ये खेलों के लिहाज से। खास तौर पर जैसे मैंने कहा कि भारत को अगर सुपर पावर बनना है स्पोर्ट्स में, तो ऐसे में इस प्रकार के खेलों का जो बड़ा आयोजन है वो करना बेहद ज़रूरी होगा और उसकी शुरुआत भारत ने कर दी है। अब भारत के लिहाज से अगर बात करें तो क्या महत्वपूर्ण बात होगी जब भारत हालांकि इसका आयोजन कर रहा है, तो दो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि कल जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग का समापन हुआ, उसके बाद जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि उनके पास क्रिकेट को लेकर जो है, हालांकि लॉस एंजलिस में 2028 में खेल होने वाला है और लॉस एंजलिस ने यह प्रपोज किया है कि जो है क्रिकेट को इसमें जो है सम्मिलित किया जाए और इसके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने अपनी सम्मति दी है। अब ये जो प्रस्ताव है जो IOC की बैठक मुंबई में होने वाली है अगले तीन दिनों में, वो प्रस्ताव इस बैठक में लाया जाएगा, उस पर वोटिंग की जाएगी और अमूमन ये भी कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स कहा जा रहा है कि ये पास भी हो सकता है। तो ऐसे में अब क्रिकेट जो है आने वाले समय में ओलंपिक का हिस्सा हो सकता है, जो T20 क्रिकेट हो, और भारत इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार से जो है क्रिकेट को जो है अगर देखा जाए तो ओलंपिक में भी शामिल किया जाए क्रिकेट खेल का। हालांकि जब इस बारे में बात की गई तो IOC के प्रेसिडेंट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता है जिसके कारण जो है IOC इस बारे में सोच रही है और इस खेल को सम्मिलित करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आचल भारत के लिहाज से ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत चाहता है कि भारत में ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन हो और इसीलिए हालांकि 2024 में जो है पेरिस में ओलंपिक खेल होने वाले हैं, 2028 में अगर देखा जाए तो लॉस एंजलिस में ये खेल होने वाला है, लेकिन आने वाले समय में भारत में भी इसका आयोजन किस प्रकार से हो, इसीलिए भारत भी एक कंटेंडर के रूप में यहाँ पर उभरता हुआ सामने आ रहा है। और वो इसलिए भी क्योंकि जब IOC के प्रेसिडेंट यहाँ पर थे उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि भारत में अगर देखा जाए तो ओलंपिक का जो फीवर है वो बढ़ रहा है, मतलब जिस प्रकार से खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी देश में अगर ओलंपिक आयोजित करना, और भारत में यह सभी चीज़ें इस वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर भारत काम भी कर रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँ तो भारत में तकरीबन 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा आंकड़ा ही है और ये दर्शाता है कि भारत कितना सीरियस है आने वाले समय में खेलों के प्रति
और कितने अच्छे ढंग से जो है भारत जो है इन खेलों की मेज़बानी कर सकता है। इसी का उदाहरण यह है कि आज जब ये 3 दिनों की बैठक जब रविवार से शुरू होगी तो ऐसे में सभी IOC के जो बड़े मेंबर्स हैं, जो स्पोर्ट्सिंग कंट्रीज है, जो एसोसिएट मेंबर्स है और जो बाकी फेडरेशन है, फिर एथलेटिक फेडरेशन की हम बात करें, स्विमिंग फेडरेशन की हम बात करें, तो बाकी अन्य जो अन्य फेडरेशन है उनके प्रमुख भी यहाँ पर आएंगे और सब चर्चा की जाएगी किस प्रकार से आने वाले समय में बेहतरीन से बेहतरीन जो है खेलों का आयोजन किया जाए। शिशिर, खेल जगत की कौन सी ऐसी प्रमुख हस्तियाँ हैं जो आज के सत्र में शामिल होंगी? देखिए, हालांकि लिस्ट अगर फहरिस्त देखा जाए तो काफ़ी बड़ी है, खेल जगत से भी है, सिने जगत से भी कुछ हस्तियां यहां पर मौजूद होने वाली है और साथ ही साथ जो राजनीतिक हम बात करें तो वहां से भी अगर देखा जाए कुछ लोग यहां पर सम्मिलित होने वाले हैं। इस पूरे इसमें तकरीबन 600 लोग जो है खेल की दुनिया से जुड़े विश्व स्तर से जो है यहां पर आने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा कि 15 मेंबर तो IOC के हैं, उसके अलावा अगर बात करें जो कंट्रीज़ हैं अलग अलग, उनको भी न्योता दिया गया है। जो पूर्व एथलीट उदाहरण के तौर पर देखा जाए PT उषा जो कि भारत का नेतृत्व करती है IOC का, वो भी इस समारोह जो उद्घाटन समारोह होगा उसमें सम्मिलित होंगी और साथ ही साथ बाकी अन्य देश के जो एथलीट्स हैं वो भी यहाँ पर आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि IOC के द्वारा हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है स्पोर्ट्स की, तो उन स्पोर्ट्स कम्युनिटी जो एथलीट्स कम्युनिटी है उसको भी जो न्योता दिया गया, तो ऐसे में बड़े ऐसे नाम हो सकते हैं जो इस उद्घाटन सत्र में जो है समापन जो शिरकत कर सकते हैं। आशीष, क्योंकि हम IOC की जब बात कर रहे हैं तो किस तरह से चार्टर बनाया जाए, नियमों का संशोधन हो, उसमें IOC की अहम भूमिका है। भारत को आप किस स्तर पर खड़ा हुआ देख पाते हैं, क्योंकि खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भारत ने की है? बिल्कुल, देखिए भारत की आवाज़ इस वक्त अगर देखा जाए विश्व मंच पर सुनी जा रही है और इसी का हम कहें कि परिणाम है कि जिस प्रकार से भारत कह रहा था कि क्रिकेट को भी जो है ओलंपिक में सम्मिलित किया जाए, अनेक सारे बैठकों में जब आयोजन होता था तो भारत ये बात सामने रखता था, तो ऐसे में अब क्रिकेट का भी जो है समावेश ओलंपिक्स में हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भारत की आवाज़ सुनी जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आखिर भारत यहाँ अगर मेज़बानी करता है या फिर IOC की बात करें तो भारत कहाँ ठहरता है, तो ऐसे में हमने पिछले कुछ अगर सालों का अगर हम स्वरूप देखें भारत में, खास तौर पर जो एक मूवमेंट हुई है खेलों के प्रति, चाहे वो खेलो इंडिया की हम बात करें, यूनिवर्सिटी गेम की हम बात करें, यूथ को किस प्रकार से इसमें सम्मिलित किया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि भारत में अगर देखा जाए खिलाड़ी तो ज़रूर है, लेकिन क्या खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, तो उस स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत ने कहीं ऐसे स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े किए हुए, हालांकि इन सभी चीज़ों पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नज़र होती है, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कम्युनिटी होती है उसकी भी नज़र होती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो असर अब दिखाई दे रहा है, फिर हम बात करें एशियन गेम्स की, हम बात करें कॉमनवेल्थ की गेम्स की, हम बात करें जिस प्रकार से खिलाड़ियों का प्रदर्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो गोल्ड मेडल्स है, सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो बाकी अन्य देश है वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं कि अब भारत जो है स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। हालांकि इसकी अगर देखा जाए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नज़र भी इस पर है और इसीलिए जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष ये बात कहते हैं कि भारत में ओलंपिक का फीवर बढ़ रहा है, तो ये दर्शाता है कि भारत इन सभी चीज़ों पर काम कर रहा है जो आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इसीलिए अगर कुछ साल की हम बात करें, जिस प्रकार से पूरा स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर भारत इस वक्त काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले 10-15 सालों में रिजल्ट्स देगा। एक अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी होंगे, एक अच्छी संस्थाएँ भारत में होगी जो कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा जिसके तहत अगर देखा जाए तो छोटे छोटे गाँव से, शहरों से जो खिलाड़ी है वो सामने आएंगे और अपनी प्रतिभा निखारेंगे। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों पर IOC भी ध्यान रखा हुआ है और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कम्युनिटी भी ध्यान रखी हुई है और इसीलिए इसका आयोजन, हालांकि 141 बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में हालांकि आश्चर्य नहीं होगा कि अगर भारत भी इस प्रकार से बड़े खेलों की मेज़बानी करता दिखाई दे। चलिए, आप नज़र बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, हम आगे भी आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां जो सत्र है उसका आयोजन मुंबई में हो रहा है और 40 सालों के बाद भारत को मेज़बानी का अवसर मिला। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD News। जो बन कर मेरा हम सफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा।
साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आज दूसरे और अंतिम दिन। सम्मेलन में आज दो सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिसमें लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाना, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अगुवाई में विकास और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन शामिल है। वहीं समापन सत्र संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। G20 के जो सांसद हैं उनके पीठासीन अधिकारियों और आमंत्रित देशों ने सम्मेलन के पहले दिन सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त वक्तव्य में ये कहा गया कि G20 प्रक्रिया में संसद के स्तर पर प्रभावी और सार्थक योगदान देने के लिए सभी सदस्य देशों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसमें ये भी कहा गया कि संसदें संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्थक वार्ता जारी रखेंगी जिसमें हर तरफ के टकराव और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में व्यापक सहयोग करना शामिल है। पीठासीन अधिकारियों ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए भारतीय संसद का धन्यवाद दिया। उन्होंने गवर्नेंस और निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी की अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुरूप संसद के नए भवन के उद्घाटन पर भारत को बधाई दी। पीठासीन अधिकारियों ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एक तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए भी भारत की संसद को बधाई दी। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज के अगर सत्रों का जिक्र किया जाए तो खास तौर पर किस तरह से महिला अगुवाई वाले विकास को और साथ ही साथ मुख्यधारा में शामिल होने के लिए जो विषय रखे गए हैं वो बेहद प्रासंगिक हैं। ये देखिए आंचल, चार जो कुल सत्र हैं उसमें अलग अलग विषय रखे गए थे। जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उस पर जो प्रगति हुई, जो आगे बढ़ा जाना है उस पर हमने देखा, कल एक सत्र रखा गया, हरित विकास पर सत्र रखा गया, आज महिलाओं की अगुवाई में किस तरह से विकास आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म है यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो जिससे जनता को फायदा हो सके उसका सत्र है। महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने इन मुद्दों पर खासी प्रगति की है और दुनिया देख रही है, चाहे वो हरित विकास का मामला हो, रिन्यूएबल एनर्जी में हम टारगेट से अचीव करने से आगे चल रहे हैं, सोलर एनर्जी में देखिए भारत कितने सफलता हासिल कर रहा है, तो दुनिया देख रही है कि भारत ने जो किया है उन कदमों पर आगे बढ़ के वैश्विक चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। कल जब संयुक्त वक्तव्य अडॉप्ट हुआ, हम जानते हैं कि जो G20 के जो सीनेट के जो संसदों के अध्यक्ष आए हैं उन्होंने इस बात को लेकर भारत की सराहना की कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की संसद ने पारित किया है जिसमें 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में देना सुनिश्चित किया गया है। जेंडर इक्वलिटी पर देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम अभियान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में चलाए गए हैं, उसका खासा असर दिखा है। सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं हैं और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे महिलाओं को बेटियों को मिलता है, तो भारत ने न केवल चर्चा की है बल्कि करके दिखाया है और वैश्विक स्तर पर उन चुनौतियों से निपटा जा सकता है, भारत ने वो रास्ता दिखाया है। तो निश्चित तौर पर आज दो सत्र इस पर फोकस करने वाले हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले हमने बात की, मैक्सिको की जो सीनेट की अध्यक्षा है जिन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि दुनिया की जो चुनौतियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन चुनौतियों का सभी को साथ लेकर मिलकर उसका हल निकालने की वकालत करते हैं, उससे इन चुनौतियों का हल निकाला जा सकता है, भारत और मैक्सिको के संबंध और मजबूत होंगे, इस बारे में बात की और किस तरह से भारत ने एक रास्ता दिखाया है, भारत तमाम चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उस बात का जिक्र किया। तो ये दर्शाता है कि जो G20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद P20 सम्मेलन हो रहा है, कल संयुक्त वक्तव्य सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया, आज घोषणा पत्र जारी होगा दोपहर के बाद, तो निश्चित तौर पर दुनिया के देशों के लिए एक संदेश है कि आतंकवाद की चुनौती हो, पर्यावरण की चुनौती हो, क्लाइमेट चेंज की चुनौती हो, हरित विकास की तरफ आगे बढ़ना हो, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की चुनौतियों से पार पाना हो, तो मिलकर
काम किया जा सकता है और इस चुनौती से निपटा सकता है। और भारत ये कर रहा है, दिखा रहा है कि कैसे सभी को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जो दुनिया भर की संसदें हैं वो किस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, एक भारत एक तरह से देखें, ये जो अवधारणा है कि हम एक विश्व की बात करते हैं, एक परिवार की बात करते हैं, एक भविष्य की बात करते हैं और उसके लिए संसद हो, तो ये उस धारणा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर इन दो दिनों में चर्चा हो रही है। साथ ही जिस तरह से जो तमाम संसदें हैं कैसे उन्हें टकराव को एक तरफ रख के संवाद के साथ सत्रों का आयोजन करना चाहिए, इस पर भी मुखर तौर पर यहाँ चर्चा हुई है। ये किस दिशा की ओर अंकित करता है, क्योंकि बेशक संवाद जो है वो सबसे बड़ी धुरी है एक स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन के लिए। देखिए, हम जब संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत होता देख रहे हैं दुनिया भर के कई देशों में, भारत तो लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत रहा है, और उसमें हम जानते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र की जड़ें भी काफ़ी गहरी भारत में हो चुकी हैं। तो दरअसल लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद की अगर बात करें तो संसद के कामकाज का एक फर्क पड़ता है उस देश पे, और दुनिया भर की संसदें जो साझा चुनौतियां हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं, उसको उस पर काम करने के लिए और आगे बढ़ें, हम एक दूसरे की संसद के कामकाज से सीखें, जो तकनीकी अपग्रेडेशन हुआ है हम देख रहे हैं उस पर भी चर्चा होती है, तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि हम एक दूसरे से सीख पाएंगे, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो कर पाएंगे और सहयोग बढ़ेगा दुनिया भर के देशों में। अगर जो संसद के अध्यक्ष हैं लोकसभा के या सीनेट के, वो जब आपस में विचार विमर्श करते हैं तो वैश्विक चुनौतियों पर एक साथ मिलकर काम करने के लिए सहमति बनती है, और हमने कल उसको देखा भी कि एक संयुक्त वक्तव्य सर्वसम्मत से अडॉप्ट किया गया, आज घोषणा पत्र जारी भी किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए। G20 तो एक ऐतिहासिक सफलता हमने देखी, जिस पर दुनिया भर ने देखा कि अब तक का सबसे सफल G20 भारत में दिल्ली में आयोजित किया गया, जो जिसमें देश भर के तमाम जगहों पर अलग अलग बैठकें हुई थी G20 की, और अब P20 सम्मेलन यशोभूमि द्वारका में जो एशिया का सबसे बड़ा एक तरह से कहे एक कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर हो रहा है, जहाँ G20 के देश और अतिथि देश के जो अध्यक्ष हैं संसदों के वो हिस्सा ले रहे हैं, पीठासीन अधिकारी और सांसद। चलिए, आप नज़र बनाए रखिएगा शैलेंद्र, और जब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा दोपहर में उस पर भी आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि नई दिल्ली में जारी 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 जिसका दूसरा दिन है, सम्मेलन में विभिन्न देशों के संसदीय अध्यक्ष शामिल हैं। इसी कड़ी में सभी अध्यक्षों ने कल संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है। और इसी समिट में शिरकत करने के लिए आए दिल्ली विभिन्न देशों के स्पीकर और सांसदों की धर्म पत्नियों ने दिल्ली के सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम में जाकर भारतीय कला संस्कृति की झलक देखी, तो वहीं भारतीय परिधानों को पहनकर भारतीय रंग में रंगने की कोशिश भी की। इस मौके पर इटली की संसद चैम्बर ऑफ डेप्यूटी के स्पीकर की धर्म पत्नी एमिलिया रोमानो ने DD News से खास बातचीत में भारतीय परिधान साड़ी पहनने पर बेहद खुशी जताई। P20 में शामिल होने के लिए कई देशों के जो संसद के स्पीकर हैं वो समारोह का हिस्सा बन रहे हैं और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी दिल्ली आई हैं, लिहाजा जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए संस्थान हैं वहाँ जाकर उनका वो दीदार कर रही हैं। और अभी हमारे साथ जो भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कॉटेज है वहाँ पर अभी हम जनपथ में मौजूद हैं, जहाँ पर इटली के जो स्पीकर हैं चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के, उनकी जो बेगम हैं, जो धर्मपत्नी हैं एमिलिया रोमानो, वो देखिए अभी भारतीय परिधान में जो इंडियन कल्चर है उसको एडॉप्ट करते हुए वो इस साड़ी में नज़र आ रही हैं और इन्होंने इसको धारण किया है। क्या रिएक्शन है वो हम सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आप इंडिया में हैं और आपने ये इंडियन जो साड़ी धारण किया है, व्हाट अबाउट रिएक्शन ऑन साड़ीज? आई थिंक इज वेरी प्रेशियस एंड आई फील लाइक अ प्रिंसेस इन दिस वंडरफुल ड्रेस। थैंक यू, नमस्ते। व्हाट अबाउट इंडियाज विजिट? It's a wonderful country. I'm very happy to be here. And you are all so friendly with us. Thank you so much.
What is the reaction about modern art and culture? We visited a museum this morning and it was very interesting, full of culture, full of thoughts and full of beautiful art. Congratulations. थैंक यू. देखिए, जो दुनिया भर के मुल्क से जो लोग यहाँ पर आते हैं हिंदुस्तान, यहाँ की जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कि देखिए, इंडियन जो साड़ी है उसको पहने बिना एक विदेश से आई हुई जो महिला हैं वो चूक नहीं रही हैं और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको इससे बखूबी समझा जा सकता है. कैमरामैन अजीत के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली. और नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज. राजेश, जब हम भारत के सॉफ्ट पावर की बात करते हैं वो हमने G20 में तो देखा ही, लेकिन इसका मुजाहिरा P20 में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर जो तमाम संसद के अध्यक्ष हैं उनकी पत्नियां भारतीय संस्कृति का बेजोड़ नमूना देखकर खुश भी हो रही हैं और प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही. देखिए, हिंदुस्तान की लोकतंत्र की जड़ें आजकल इतनी मजबूत हैं, इतनी गहरी हैं कि सात समंदर पार से भी जब कोई सैलानी हिंदुस्तान पहुंचता है तो हिंदुस्तान की संस्कृति, यहाँ की जो सभ्यता है उसको देखने समझने परखने की कोशिश ज़रूर करता है और उसे एडॉप्ट भी करता है. कल इसका ही जीता जागता नमूना जो था जनपद में, जो सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम है, वहाँ पर जब इटली के स्पीकर की जो धर्मपत्नी है इमिलिया रोमानो, उन्होंने जब वहाँ पर भारतीय उत्पादों को देखा, जो आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जब उनको देखा तो वो अचंभित हो गई. और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि तुर्की, ब्राज़ील समेत अनेक देशों के जो स्पीकर या सांसद या डिप्टी स्पीकर यहाँ आए हैं P20 में शरीक होने के लिए, उनकी जो धर्मपत्नियाँ हैं वो जो हैं वो कॉटेज में गई थी और वहाँ पर जो तमाम भारतीय उत्पाद थे उनको देखकर वो अचंभित थी, प्रसन्न थी और उन्होंने शॉपिंग भी की, खरीदारी भी की और कहीं ना कहीं भारतीय जो नारी की एक पहचान होती है साड़ी, उस साड़ी को उन्होंने अपनाया, उसको पहना. और आपने सुना ही कि रोमानो ने क्या कहा कि मैं साड़ी पहनकर अपने को प्रिंसेस फील कर रही हूँ, उन्हें ये अनुभूति जो है प्रिंसेस वाली अनुभूति हो रही है. तो कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की जो सभ्यता संस्कृति जिसकी जिसका जिक्र हम हमेशा करते रहे हैं उसको करीब से देखने की हसरत लिए ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं. और प्रधानमंत्री संग्रहालय में कुछ लोग पहुँच चुके हैं और कुछ लोगों के पहुँचने का इंतज़ार किया जा रहा है. ये उम्मीद की जा रही है कि इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में जो तमाम चीज़ें हैं उनको देखकर भी वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रसन्न होंगे, खुश होंगे. और कल मॉडर्न आर्ट ऑफ गैलरी जो इंडिया गेट पर है वहाँ भी ये तमाम लोग गए थे और वहाँ पर भी जाकर के उन्होंने जो हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति से लेकर जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका उन्होंने दीदार किया. वहाँ पर स्टील के जो बरगद बनाए गए हैं, स्टील से निर्मित जो एक बड़ा वृक्ष है उस पर आकर के उन्होंने फोटोग्राफी की और बहुत अचंभित थी कि हिंदुस्तान का जो इंडिया गेट है, मॉडर्न आर्ट गैलरी है या तमाम जो यहाँ के मोनूमेंट्स हैं वो बेहद खूबसूरत हैं. और साथ ही किसी भी देश की जब आप यात्रा करते हैं उसकी संस्कृति को समझकर जिस तरह से हम यहाँ पर लोगों से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, आप देखिए कि ये जब कोई भारत का व्यक्ति विदेशी सरजमी पर जाता है कैसे दोनों के देशों के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ होते हुए नज़र आते हैं. उस लिहाज से भी इस तरह का जो आयोजन है बहुत ही उल्लेखनीय है. देखिए, निश्चित तौर पर जब यशोभूमि में परसों मैंने इंडोनेशिया के एक एमपी हैं डॉक्टर फादली जोंग, उनसे जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि पिछला जो G20 था वो इंडोनेशिया उसका मेजबान था और इस बार हिंदुस्तान उसका मेजबान है. और आर्ट एंड क्राफ्ट बाज़ार में उन्होंने खरीदारी भी की, शॉपिंग भी की और कहा कि इंडोनेशिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मधुर हुए हैं, सिर्फ G20 को लेकर के ही नहीं बल्कि अन्य जो मसले हैं उसको लेकर भी. और कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके रिश्ते भी काफ़ी मधुर हैं, इसका जिक्र डॉक्टर जोन ने किया था. और कल जब ये तमाम जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और विभिन्न देशों के जो सांसदों की जो पत्नियां हैं
वो जब भ्रमण कर रही थी तो इस दौरान भी इस बात की पुष्टि जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी कि जो हिंदुस्तान के साथ इन देशों के जो रिश्ते हैं, जो दूसरे मुल्क के लोग यहाँ आते हैं, वो हमारी संस्कृति सभ्यता को करीब से देखने की कोशिश भी करते हैं और उसे अडॉप्ट भी करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर तौर पर आंचल, जो दुनिया भर के मुल्कों में जो हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है, उस डेमोक्रेसी को करीब से देखने की हसरत लिए हर जो विदेशी है वो हिंदुस्तान आता है। और कल संसद भवन परिसर में जब शाम में उनके सम्मान में रात्रि भोज और कल्चरल इवनिंग रखा गया था, तो वहाँ पर गांधी जी की जो विशालकाय प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर भी जाकर के ये तमाम जो देशों के प्रतिनिधि थे P20 के, उन्होंने जाकर के गांधी को नमन भी किया और हिंदुस्तान के साथ जो उनके लोकतांत्रिक जो रिश्ते हैं उनको भी मजबूत करते हुए नजर आए। चलिए, आप प्रधानमंत्री संग्रहालय में जब अभी ये सब पहुंचेंगे तब यहाँ पर भी एक अलग ही दृश्य होगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जो कि मोरक्को के माराकेच में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनकी बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कल मीडिया को संबोधित किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस मौके पर मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में G20 और FMCBGS ने सर्वसम्मति से G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की आधिकारिक जो विज्ञप्ति है उसे अपनाया है। वो MDB को मजबूत करने के बारे में G20 स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का भी स्वागत किया गया। FMCBGS ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर भी G20 रोडमैप को अपनाया है। ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ईयर द G20 पर्टिकुलरली द फाइनेंस ट्रैक सॉ की अचीवमेंट्स इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century, advancing financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure, crypto assets agenda, managing global debt vulnerability, and also financing cities of tomorrow, enhancing tax transparency and capacity building, as well as advancing the work of the two-pillar solution for addressing the tax challenges arising from digitalization of the world economy, mobilizing climate finance and enabling finance for sustainable development goals. So I would put it that these were the agenda points on which there has been exhaustive discussion among the members. और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD News. जो बनकर मेरा हम सफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात ऑपरेशन अजय की, जिसके तहत इसराइल से भारतीयों का स्वदेश आना जारी है। इसी के तहत आज 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट इसराइल के तेल अवीव से दिल्ली पहुंच गई। 235 लोगों के इस दल में दो शिशु भी हैं। कल रात 11:02 पर इसराइल की राजधानी तेल अवीव से भारतीयों के दूसरे दल को लेकर विमान ने उड़ान भरी। आज सुबह यह विमान नई दिल्ली पहुंचा। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार अंजुन सिंह ने स्वदेश लौटे सभी नागरिकों की अगवानी की। इससे पहले 212 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का पहला विशेष विमान कल नई दिल्ली पहुंचा था। हमास के इसराइल पर हमले के बाद हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। दोनों के बीच इस महीने की 7 तारीख से लड़ाई जारी है। भारत ने इसराइल में फंसे अपने लोगों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। दूसरे बैच की अगवानी के लिए विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार अंजुन सिंह हवाई अड्डे पर मौजूद रहे।
डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह से खास बात की हमारी संवाददाता मेघना देव ने। हमारे साथ मौजूद हैं विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह। सर, क्या कहेंगे ऑपरेशन अजय के तहत दूसरी फ्लाइट आ गई है और फ्लाइट्स भी प्लान की गई हैं, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? ये इसी फ्लाइट में 235 इंडियन सिटीजन्स, ऑफ विच टू आर इन्फेंट एंड अबाउट 135 आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग रिसर्च एंड इन द फील्ड ऑफ एग्रीटेक मोस्टली एंड देयर आर अबाउट 7 स्टेट्स. The maximum is from West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh, and like that. So we are facilitating to the carry back to or coming back to India. So we are still planning to receive them, and we are providing that facility. भी क्या कोई मदद के लिए लोगों ने पर्सनली अप्रोच किया है मंत्रालय को? हाँ, वी हैव अबाउट 18,000 इंडियन सिटीजन्स आर देयर, ऑफ व्हिच अबाउट 8,000 दे रिक्वेस्टेड फॉर दिस. सो आउट ऑफ दैट टू फ्लाइट हैज ऑलरेडी देयर, अनदर सब्सिक्वेंट फ्लाइट्स आर आल्सो वी आर प्रिपेयरिंग. और इसराइल से भारतीयों के स्वदेश लौटने और अपने परिजनों से मिलने के जो खुशी के भाव हैं उसे बखूबी पढ़ा जा सकता है। इनके चेहरे की चमक बताने के लिए काफ़ी है कि वो अब खौफ के साए से बाहर आ गए हैं। ये संभव हो पाया भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय की वजह से। इसराइल हमास युद्ध के बीच वहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी उड़ान आज सुबह दिल्ली पहुँची। हमारी संवाददाता मेघना देव ने स्वदेश लौटे लोगों से बात की है, आइए सुनते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत जो फ्लाइट आई है उससे वापस आए हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके से आप पहुंचे हैं? इट वाज अ ग्रेट ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन था और हम अपनी शुक्रिया ज्ञापन करना चाहते हैं भारत सरकार को और असम सरकार को कि उन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ अस और वो आए हैं यहाँ और वो लेके आए हमको इंडिया तक. हम लोग जेरूसलम में रहते थे जो बीचों बीच है इसराइल का, तो दक्षिण और उत्तर में जंग ज़्यादा था, हमारे यहाँ जंग ज़्यादा नहीं था. 3-4 दिन के लिए सायरन बजा था, हम बॉम्ब शेल्टर गए थे, पर 3-4 दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गया था जेरूसलम में. पर फिर भी ताकि हम ज़्यादा रिस्क ना ले तो हम लोग ने वापस आने का ठान लिया. एक तरीके से देखें तो जो राज्य सरकारें हैं वो भी यहाँ पर जो उनके नागरिक ऑपरेशन अजय के तहत आ चुके हैं उनको यहाँ से ले जाकर कनेक्टिंग फ्लाइट्स के द्वारा राज्यों में ले जा रहे हैं या फिर उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी प्रदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मेघना देव, डीडी न्यूज, नई दिल्ली. Situation was bit like uncertain over there. We were staying in Rehavat. There it was considered safe, but we don't know like when the situation will turn. By the time we reached airport, there was a rocket that landed in Rehavat, and one person was injured. So we were a bit tensed. But after reaching airport, everything was taken care by embassy. Like all arrangements were done. And compared to other countries, I think India, they managed to get us with everything going smooth. So it was very easy to come back and everybody from Indian embassy, they helped us a lot. So everything was fine. This operation Ajay is really fantastic. Actually, government taken, I think, extra effort to make it happen. One thing I want to say, I really thanks to Indian government who put lot of effort to bring most of the students back to here. It was like they are fine. It was we were keep on updating our status there, and city like Rehovot was much safer than the border areas. So we were happy. But then we did not expect that government of India will act so robustly and so quickly that we could come back so quickly. I mean, it was all just like within 3 days, government of India did an excellent job in evacuating the students, and most of the students have almost returned. And last night I was talking to the ambassador of Israel in the airport in Tel Aviv airport, and he was mentioning like, within 3-4 days we will evacuate most of the students. That is fantastic. I mean, within a span of 3-4 days if you are evacuating all its students, then that is one of the commendable jump by government of India. Thank you so much. और वहीं इसराइल हमास संघर्ष का आज 8वां दिन है। इसराइल की सेना ने ये पुष्टि की कि उसकी जमीनी सेना ने कल गाजा में स्थानीय छापे मारे। छापेमारी का उद्देश्य लापता व्यक्तियों का पता लगाना भी था।
सेना ने पुष्टि की कि गाजा में कम से कम 120 बंदी हैं। इसराइल ने कल 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। अब इसके खत्म होने की समय सीमा काफी करीब है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि इसराइल के अल्टीमेटम से पहले ही गाजा में 4 लाख फिलिस्तीनियों का पलायन हो चुका है। और अब बात खेल जगत से। आईसीसी विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब तक दो दो मुकाबले जीत चुकी दोनों टीमों की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को हराने में सफलता पाई। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे विश्व कप में भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान अब तक 7 बार वनडे विश्व कप में आमने सामने हुए, जिसमें भारत ने सभी 7 मैच जीते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। तापस, आज का मैच खास तौर पर तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सर चढ़कर बोल रहा है। आपके पीछे जो भीड़ है वो भी देखकर हम मान सकते हैं, लेकिन भारत का पलड़ा हर बार पाकिस्तान पर भारी पड़ा है और आज भी कुछ ऐसे ही उम्मीद करेंगे भारतीय क्रिकेट फैंस। राइट आपको आंचल ये बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर खड़े हैं। 1,32,000 की ये कैपेसिटी है स्टेडियम की। और मैं ये बता दूं, यहाँ पे लोग सिर्फ भारत के कोने कोने से नहीं, विदेश से भी आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग हैं जो मुंबई से आए हैं, कुछ सूरत से आए हैं, कुछ पहले मिले थे वो अमेरिका से आए थे, यूके से आए हैं। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं आपसे, आपका नाम? सर हर्षित सक्सेना। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग हैदराबाद से आए हुए हैं स्पेशली इस मैच के लिए ही। अच्छा, तो यहाँ पे किसी को टीम सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल इंडिया। कौन प्लेयर है आप लोगों का फेवरेट? विराट कोहली, यादव। तो आप लोग कहाँ? बुमराह। मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। आप न्यूयॉर्क से? आप? मैं मुंबई से आया हूँ, 10 घंटा ड्राइव करके आए। 10 घंटे की ड्राइव न्यूयॉर्क से। आप लोगों का फेवरेट प्लेयर है? मेरा विराट कोहली। बुमराह। हम लोग उड़ीसा से आए, 30 आवर्स ट्रैवल करके जर्नी करते हैं। उड़ीसा, मुंबई, यूएस। आप मैम? सूरत से आए हैं। जीतेगा। चलिए तापस, ये तो उम्मीद है ही। चला, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मंजर दिखाना चाहूंगा आपको। मैं स्टेडियम में आपको दिखाता हूँ, लोग ऑलरेडी लोग आने जा रहे हैं। आप देखिए किस कदर लोगों का क्रेज है। पूरा स्टेडियम आज होने वाला है नीले रंग में एकदम। इसे इसमें देखिए ब्लू कलर जो है आज पूरे तरीके से पूरे स्टेडियम में फैल जाएगा। तो आपको बता दूं मैं कि किस तरीके से लोगों में जोश, जुनून, पागलपन है इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। इसको बयां करना मतलब शायद शब्दों में मुश्किल है। बिल्कुल। तो मैन इन ब्लू जीत का सहरा बांधेंगे या नहीं तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो मनोवैज्ञानिक स्तर है टीम इंडिया का वो जबरदस्त है। जबरदस्त फॉर्म में चल रही है टीम इंडिया, क्योंकि जीत की तीसरी हैट्रिक लगाने की तैयारी है। बैटिंग ऑर्डर किस तरह इशारा करता हुआ? जी मुझे लगता है कि इस बैटिंग ऑर्डर में एक चेंजेस तो हो सकता है। शुभमन गिल जो है वो उनकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा था कि 99.9% चांसेस है सिलेक्शन का शुभमन गिल का। अगर वो हुआ तो भारत की जो ओपनिंग कनंड्रम जैसे कहते हैं, ओपनिंग दिक्कतें जो आ रही थी, ईशान किशन को 2 मैचेस में खिलाया गया था वो चल नहीं पाए, तो वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा। और दूसरी हद तक मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंजेस करेंगे। शायद ब्लैक सॉयल की पिच होने वाली है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 स्पिनर के साथ उतरेगी और रविचंद्र अश्विन को मौका मिलेगा। तो ब्लैक सॉयल की पिच यहाँ पे और हार्दिक पांड्या 3rd सीमर की पोजीशन पे आएंगे, तो ये मोटा मोटी हो सकता है। लेकिन जो ये प्लेइंग 11 का पता थोड़े मैच से पहले ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे एकदम क्रेजी माहौल हो रहा है। यहाँ पे लोग यहाँ पे दूर दूर से आ रहे हैं। माता की जय, ये नारा गूंजेगा आज स्टेडियम में। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहेगा पाकिस्तान पे, कि इस तरीके का जो प्रेशर है। इससे पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है एमसीजी में, 90,000 से ज्यादा की लोग थे, लेकिन जिस हद तक यहाँ पे 101,32,000 की पॉपुलेशन स्टेडियम की कैपेसिटी है, और यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि शायद ही कोई पाकिस्तान का सपोर्टर होगा, और कहीं ना कहीं बहुत
बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहेगा पाकिस्तान पे इतना बड़े पार्टिसन क्राउड को झेलने में। मौसम का क्या, पाकिस्तान का मैच है, किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं हिमाचल जी। मौसम का क्या इशारा है, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है बारिश ये मजा खराब ना कर दे और रिजर्व डे पर ना जाना पड़े, तो मौसम किस तरफ इशारा करता हुआ आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं तो सूरत हाल बता सकते हैं। चले, क्योंकि वहां पर भारतीय फैंस इतने ज्यादा उत्साहित हैं, अभी कुछ वक्त है मैच शुरू होने में, लेकिन उनका उत्साह इतना था कि लगातार भारत की जीत के लिए वो कहीं ना कहीं उत्साहित होते हुए नजर आए। वापस जाएंगे तापस के बाद कुछ अलग बुलेटिन में, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं आईसीसी विश्व कप में न्यूजीलैंड ने लगातार तीसरी जीत हासिल कर ली। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराने में सफलता पाई। बांग्लादेश से जीत के लिए मिले 246 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड को 12 रन पर पहला झटका लगा जब रविंद्र 9 रन बनाकर आउट हुए और दूसरे विकेट के लिए कॉनवे और विलियमसन के बीच 80 रन की साझेदारी हुई। कॉनवे 45 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद डेरिल मिचेल ने के साथ मिलकर विलियमसन ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। दोनों खिलाड़ियों ने टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। स्पीच दोनों ने अपने अपने 8 शतक पूरे किए। विलियमसन 78 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए, वहीं डेरिल मिचेल ने नाबाद 89 रन बनाए। इसके बाद न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए। बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पारी की पहली गेंद पर लिट्टन दास को बोल्ट ने आउट किया। तंजिद हसन 16 रन बनाकर आउट हुए। मेहंदी हसन मिर्जा ने पारी को संभालने की कोशिश की, हालांकि वो भी 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नजमुल हुसैन मंटो को 7 रन पर फिलिप्स ने आउट किया। 56 रन पर 4 विकेट गवा चुकी बांग्लादेश को कप्तान शाकिब अल हुसैन ने अनुभवी मुशफिकुर रहमान के साथ मिलकर उबारा। दोनों ने 5वें शतकीय साझेदारी को निभाया और शाकिब अल हसन 40 रन बनाकर नाबाद रहे और मुशफिकुर रहमान ने 66 रन की पारी खेली। निचले क्रम में महमदुल्ला 41 रन की पारी खेल चुके हैं। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। सिंधु का सेमीफाइनल में सामना चीन की वांग जी यी से होगा। सिंधु ने इससे पहले शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वियतनाम की थ्यू लिन गुएन को 20-22, 22-20 और 21-18 से शिकस्त थी। इस BWF सुपर 500 इवेंट के नतीजे पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग रैंकिंग में गिने जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने उत्तराखंड दौरे को स्मरण कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे यदि आपको उत्तराखंड में किसी एक जगह की यात्रा अवश्य करनी चाहिए तो वो कौन सी जगह होगी, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर जरूर जाएं। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता और दिव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। निसंदेह उत्तराखंड में भ्रमण के लिए कई प्रसिद्ध स्थल हैं। मैंने कई बार उत्तराखंड में पवित्र स्थल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का दौरा किया जो मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव रहा, लेकिन बहुत सालों बाद पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर में जाना बहुत खास रहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने उत्तराखंड दौरे की कुछ तस्वीरों को भी साझा किया है। और ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है साथ ही साथ अध्यात्म के महत्व से भी पार्वती कुंड का जो महत्वता है वो बहुत अहम है और दार्शनिक स्थल के रूप में ये पर्यटन के लिहाज से भी उत्तम स्थान है। और हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और कार्यों से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश पहचान दे रहा है। डीडी न्यूज हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित विशेष श्रृंखला हमारे पद्म के माध्यम से दर्शकों को इनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों से रूबरू करवा रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं देश के प्रसिद्ध
जीव वैज्ञानिकों में शुमार डॉक्टर आदित्य प्रसाद दास के बारे में, जो अपने शोध कार्यों से आदिवासी समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन्होंने मच्छरों में डेंगू वायरस एंटीजन का पता लगाने के लिए सरल तकनीक विकसित की है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बीमारी कोई भी हो बहुत असुविधा देती है ना? और खासतौर पर उन बीमारियों की बात करें जो हमारे देश के गरीब तबके से जुड़ी होती है, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, काला आजार, डेंगू। ये वो बीमारियां हैं जिनके लिए सावधानी जिनको लेकर बरतनी बेहद जरूरी है, और ये वो भी बीमारियां हैं जिसे आम जन बहुत गहराई तक प्रभावित होता है। और इनको लेकर, इन वेक्टर जनित बीमारियों को लेकर डॉक्टर आदित्य दास ने जो अनुसंधान किया, जो शोध कार्य किया, उसके आधार पर लाखों करोड़ों लोगों को न केवल इसका फायदा हुआ बल्कि पड़ोसी देशों, अन्य देशों ने भी उनके इस शोध कार्य से लाभ उठाया। उनके द्वारा कितने ही पेपर्स पब्लिश किए गए जिसके आधार पर इस क्षेत्र में शोध कार्य को भी बढ़ावा मिला। उन्होंने जो योगदान दिया, खासतौर पर ग्रामीण और गरीब तबके को लेकर, उनसे जुड़ी बीमारियों को लेकर जो योगदान दिया, उसी को देखते हुए उन्हें पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया। मलेरिया, डेंगू, कालाजार और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जैसी बीमारियां हर साल विश्व की बड़ी आबादी को प्रभावित करती हैं। ये बीमारियां कैसे और क्यों होती हैं? इस पर संजीदगी से विचार करने वाले देश के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य प्रसाद दास ने महामारियों की गंभीरता को समझा और गरीब तबके को प्रभावित करने वाली वेक्टर जनित बीमारियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। डॉक्टर दास ने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और गंदी मिट्टी में होने वाले कुर्मी से फैलने वाली बीमारी के नियंत्रण के लिए ऐसी तकनीक, नीति और उपकरण विकसित किए जिसका उपयोग कई देशों ने किया। वेरी चैलेंजिंग पीरियड इन इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंस्टीट्यूट, सर्वाइवल ऑफ द साइंस टू कैरी आउट क्वालिटी साइंस इन दैट एरिया। जैव विज्ञान संस्थानों का अस्तित्व बनाए रखने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय रहा। इस दौरान जो कार्य इस क्षेत्र में किया गया उसे देखते हुए ओडिशा सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अपने अधीन ले लिया। अगस्त 2002 में जैव विज्ञान संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य और मेरे योगदान को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ओडिशा आए और इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पिछले साल मुझे विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री मिला। इतने वर्षों की मेरी कड़ी मेहनत को पहचानने और मुझे पद्मश्री देने के लिए मैं भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर दास ने ग्रामीण भारत में एनोफिलस एनवायरस की वेक्टर के रूप में पुष्टि की, मच्छरों में डेंगू वायरस एंटीजन का पता लगाने के लिए सरल तकनीक विकसित की, साथ ही वेक्टर जनित रोगों के जलवायु परिवर्तन के साथ संबंध पर मौलिक शोध किए। जीव विज्ञानी के रूप में प्रोफेसर दास ने 5 वर्षों से अधिक समय तक भारत के उड़ीसा और बिहार के दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच काफी काम किया। I've observed him to be a conscientious worker with a keen sense for delving into new things. मेरे पति को एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है और वो हमेशा कोई भी समस्या को बहुत दिमाग लगाकर सुलझाते हैं। उन्होंने एक क्षण के लिए भी कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को विज्ञान और विज्ञान प्रशासन के लिए समर्पित कर दिया। बाद के वर्षों में जब वो विश्व स्वास्थ्य संगठन में सलाहकार के रूप में शामिल हुए तो उन्होंने सफलतापूर्वक नीतिगत निर्णय लिए जिन्हें दुनिया भर के कई देशों ने अपनाया। संक्षेप में मैं कहूंगी कि उनकी रग रग में विज्ञान बसा है। वे जब भी किसी से मिलते हैं तो हमेशा सबको प्रोत्साहित और उनका मार्गदर्शन करते हैं। ICMR से अपने वैज्ञानिक करियर का आरंभ कर डॉक्टर दास विभिन्न प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के निदेशक, विश्वविद्यालयों के कुलपति और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई सलाहकार भी रह चुके हैं। प्रोफेसर दास के लगभग 300 अनुसंधान पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित अपने शोध कार्यों से ग्रामीण और आदिवासी समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर आदित्य प्रसाद दास को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई।
हैं।